Good evening, everyone. Today we have with us our Bigg Boss 12 contestant, Jasleen Matharu. Welcome to Mumbai Mirror, Jasleen. Thank you so much. Before we begin with our some fun questions for you today, tell us a bit about your overall journey. How has it been in the house? See, the eviction was really shocking for me, first of all. But it has been a great journey, and I think I've learned a lot of things, you know, staying in the house. Bahut sari cheezein aapko ghar bahut kuch sikha deta hai. Toh woh seekh ke main aayi hu ab bahar. Very good. Has life changed to an extent? Yes, it has. Because, see, Bigg Boss ka ghar aisa hai ki aapko you know kuch cheeze life ke liye aisi sikha jata hai ki aap wo cheez ghar ke bahar nahi samajh pate ho. And sabse badi cheez jo maine seekhi hai wo ye hai, which has really helped me, wo hai ki you know, कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसको यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. बहुत चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, तो यू नो, इग्नोर मत करो. अगर आपको कोई कुछ बुरा बोल रहा है, जैसे दीपक ने मेरे बारे में बातें बोली, जसलीन लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है शो पर, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको उस वक्त यू नीड टू बी वोकल अबाउट इट. और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका मुँह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ मैंने सीखी है. So you have grown stronger. Absolutely, it seems, after absolutely. Bigg Boss. You want to mention particular things that have changed in you after the entire journey? यही होगी कि मैं अब मुंह खोलकर बोलने लगी हूँ. See, I've always been a strong girl, but कुछ चीज़ें होती हैं, हम ये सोचते हैं हम इस इंसान से मिलने वाले नहीं हैं, इग्नोर कर दो, छोड़ो यार, इससे कब बात होगी, तो वो नहीं करना है. आपकी इंसल्ट किसी ने की है तो उसको बोलो कि दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक, और ये नहीं करना है. तो वो मुँह तोड़ जवाब देना उस वक्त और उसको स्टॉप करना उस चीज़ को, वो बहुत ज़रूरी है. और वो एक बदलाव जो मुझ में आया है, आई थिंक आई यू नो this is one thing जो मेरी लाइफ अब चेंज कर चुकी है. ग्रेट. There have been a lot of controversies about you, about your fellow contestants. Haan. But the one topic that has been spoken about was your relationship with Anup Jalota. There have been a lot of questions from our users as well about your relationship. Some have been saying that it's a strategy, it was faked. What exactly would you, how would you justify this? See, nothing was planned. It wasn't a strategy. I will not call it a strategy because it was just a prank that I played on him when I went on stage. And when I say it wasn't planned, बहुत लोगों को ये लगता है कि जसलीन जो है वो मस्तीखोर है एंड नॉटी है, अलहड़पन है. तो नाउ दैट दे हैव सीन मी you know, in the Bigg Boss house, they know how Jasleen is. तो अगर मैं ये कहती हूँ कि ये मैंने मजाक किया था उस वक्त स्टेज पे, तो ये मजाक ही था. एंड वो एक रिएक्शन मैं शायद अनूप जी से एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कहेंगे क्या बकवास कर रही है, क्यों बोल रही है, नथिंग हैपन एंड ही वॉज जस्ट आई थिंक शॉक्ड. तो उतने टाइम में सलमान सर ने हमें घर के अंदर भेज दिया, एंड वी वर जस्ट घर के अंदर जाने के बाद भी वी वर जस्ट प्लेइंग अलॉन्ग, बिकॉज सबा सोमी आकर मुझसे पूछ रही है भाई क्या है, रिश्ता क्या है, ये वो. सो मैंने अनूप जी से आई थिंक ये दिखाया भी गया है कि अनूप जी से मैं कह भी रही हूँ कि अनूप जी बहुत आके मुझे ये यू नो गॉसिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बातें निकाल रहे हैं, तो वी जस्ट प्ले अलॉन्ग, मस्ती करते हैं इनके साथ, इनको उल्टे पुल्टे जवाब देते हैं. तो बस दैट वॉज इट. अब घर आने के बाद, घर से बाहर आने के बाद, जब ये बवाल मुझे पता लगा कि इतनी बड़ी न्यूज बन गई है, ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग और बहुत मेरे और अनूप जी के लिए बहुत एम्बैरेसिंग रहा. We saw that you didn't really get along with Deepak in the house. हाँ. Why was it? See, राखी मैंने बांधी दीपक को और मैंने दिल से उसे, बहुत शिद्दत से उसे मैंने भाई माना. बट दीपक इज़ वेरी अग्रेसिव एंड आई थिंक बिग बॉस 12 का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि जो भी कंटेस्टेंट्स, जो कॉमनर्स आए हुए हैं कुछ इसमें से, जैसे दीपक है, सुरभि, सोमी एंड यू नो रोहित भी जैसे हो गया, कॉमनर्स की बात नहीं करूँगी, बट ये जो कुछ, ये चार लोग जो रहे हैं घर में, ये इतने अग्रेसिव है कि ये कुछ भी करने को तैयार है. मतलब कुछ भी करा लो, पागलपन, हाथ खींचना, यू नो द वे सोमी हेल्ड माय हैंड, उसमें वो वीडियो भी काफी वायरल हो गया कि किस तरह बिहेव करना. एंड आई थिंक अग्रेशन की वजह से वो टास्क जो है वो एक मस्ती से नहीं हो रहा है, कोई तरीका नहीं है करने का, किसी भी लेवल पे जाने को तैयार है सब. तो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है इस सीज़न का. एंड दीपक के साथ मेरा, जब मैंने ये चीज़ देखी दीपक में, तो दीपक एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं भी ऐसा ही बिहेव करूँ, छीना तानी, गाली गलौज,
मैं ऐसी नहीं हूँ. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब मैं बिग बॉस जाऊंगी तो जो सीजन्स मैंने देखे हैं उसमें मस्ती हो रही है, मजाक हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है जैसे शिल्पा जी करते थे विकास जी के साथ, तो वो ही एक्सपेक्ट कर मैंने किया. और जब मैं गई तो चीज़ें डिफरेंट थी. और मुझे दीपक से ये प्रॉब्लम होने लगी एंड ही ऑल्सो हैड अ प्रॉब्लम विद मी बिकॉज मैं उसकी बातें नहीं सुन रही थी कि जसलीन बहुत यू नो करने में टास्क करने में इंटरेस्टेड नहीं है ये वो. बट एनी वे आई एम नॉट इंटरेस्टेड. वो मैं यू नो अभी भी इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इस चीज़ पे. मेरी दीपक के साथ बनी नहीं स्पेशली जब उसने ये बात मेरे बारे में जो कही. आई थिंक जो मेरे फैंस हैं उनके भी फैंस हैं बहुत डिसअपॉइंट हुए होंगे ये सुन के. Who do you think have the highest chances of winning this season? I really want Sreesanth to win because looking at his journey, I think patience level jo unka grow hua hai and ghar ke andar jo baatein unhone suni hai, jis tarah se ghar ke bahar bhi unke saath jo cheeze hui hai, to mujhe lagta hai ki agar koi Bigg Boss you know जीतना बिग बॉस 12 अगर कोई हो तो मेरी दिल से इच्छा है कि श्रीशांत हो क्योंकि एक्चुअली उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है घर में. If he was not married, would you be interested in dating Romil? No, of course not. Romil is just a good friend और वो हमेशा रहेगा. वैसी intentions ही नहीं थी. हाँ मैंने उसको कहा था कि वो cute है but किसी को cute बोलने से ऐसा नहीं हो जाता कि मेरे दिल में कुछ उसके लिए है. And why is everybody asking me about Romil? For God's sake, no, he's just a friend and we will stay friends forever. Great. Apart from Romil, who is your man crush in the house? Nobody, कोई भी नहीं है. मतलब अब तो I am single और मैं घर के बाहर ढूंढ रही हूँ कोई प्यारा सा लड़का. अगर कोई मुझे प्रपोज करना चाहे तो आ सकता है. Surely, we'll expect that soon. Since we are going to step in 2019, what are the resolutions that you have made to yourself? Resolutions, I think. एक टीम बनानी है मुझे जो हमेशा से मुझे बचपन से बहुत मेरा शौक रहा है स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करना. डॉग्स और कैट्स जो रोड पे रहते हैं एंड ऑल दी एनिमल्स इन फैक्ट. कितने एनिमल्स हैं जिनको यू नो एक्सीडेंट हो जाते हैं, पैर टूट जाता है, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कोई नहीं है. सो एक टीम बनानी है मुझे उसके लिए कि कोई वैन हो डॉक्टर के पास ले जाने और यू नो फीड करने के लिए सारे एनिमल्स. तो वैसी ये मैंने सोच रखा है 2019 से मुझे ये करना है सबसे पहले. Great, that's a really great initiative. Thank you. Big Boss का सफर तो खत्म हो गया है फिलहाल आपके लिए. जसलीन को हम आगे कहाँ देखेंगे? So बहुत सारे गाने गाएगी जसलीन और बहुत सारी फिल्म्स करेगी और काफी काम करेगी और इसी तरह सबको एंटरटेन करेगी. Great, good to know that. Thank since you. You have spoken about singing and coming in movies, Gana why not conclude है. This with a Gana song? तो बनता है. बिल्कुल बनता है. चलो. So this is for all my fans jinhone itna support kiya mujhe itna sara pyar diya. So this one's for you guys. Chura liya hai tumne jo dil ko nazar nahi churana sanam o badal ke meri tum zindagani kahin badal na jana sanam. Thank you so much, Jasleen, for being with us. It was wonderful pleasure. Talking to you. Thank you so much, and we wish you all the very best Thank for future you. Endeavors. Thank you.